नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे जो पेशेंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग पेनिस इनलार्जमेंट सर्जरी करेंगे, जिसमें लेंथ और गर्थ दोनों को बढ़ाएंगे। पेशेंट का जो एज है 34 ईयर ओल्ड मेल है और जिसमें पेनिस का काफ़ी सारा हिस्सा बरीड है। अभी आप देख सकते हैं जो लेंथ दिख रही है करीब 6.5 सेंटीमीटर है। सो इसमें हमने लेंथ भी बढ़ाना है और उसका गर्थ भी बढ़ाना है बाय फैट इंजेक्शन। जो प्रोसीजर रहता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जिसमें लोअर पार्ट बॉडी का एनेस्थेटाइज किया जाता है और बाकी पेशेंट का जो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी है करीब 1.5 घंटे रहता है और हम लोग या तो शाम तक सेम डे अदरवाइज नेक्स्ट डे मॉर्निंग डिस्चार्ज करते हैं। जो पेशेंट में जो प्रॉब्लम है, जो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द पेनिस है, जो पेनिस का निचला हिस्सा है, वहाँ का स्किन में एक टाइट वेव है जिसका स्क्रोटल वेव कहते हैं, तो उसे हम लोग को रिलीज़ करना है इसमें, जिससे कि हमें एक्स्ट्रा लेंथ मिलेगी ऑन वेंट्रल सर्फेस ऑफ द पेनिस। ये आप देख सकते हैं, हमने जो टाइट बैंड है उसे रिलीज़ करा हॉरिजेंटली और उसे फिर वर्टिकली क्लोज कर रहे हैं। जो सूचर इसमें यूज़ करते हैं वो सेल्फ डिजॉल्विंग स्टिचेस रहते हैं ताकि पेशेंट को दोबारा हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत ना पड़े। कंप्लीट हीमोस्टेसिस रखना ज़रूरी रहता है क्योंकि काफ़ी लूज स्किन रहती है, तो यहाँ पर हिमेटोमा या ब्लड कलेक्शन होने का संभावना रहती है। तो प्रॉपर कंप्रेशन और हीमोस्टेसिस ड्यूरिंग सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो इसके साथ साथ हम लोग जो दूसरी प्रोसीजर करने वाले हैं वो है टमी का लाइपोसक्शन, स्पेशली लोअर पार्ट का टमी का लाइपोसक्शन करेंगे। जो बेस ऑफ द पेनिस है वहाँ पे काफ़ी सारा फैट है जिसकी वजह से बरीड हो गया है पेनिस, अंदर चले गया है, तो उस पार्ट के फैट को हम लोग निकालते हैं और साथ ही लोअर एब्डोमन का फैट भी निकाला जाता है। इस फैट को निकाल के हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके वाटर अलग करते हैं, फैट के ग्लोब्यूल्स को अलग करते हैं और उसको हम लोग छोटी छोटी सिरिंजेस में फिर भरते हैं और उसको फिर हम लोग इंजेक्ट करेंगे फॉर फैट ग्राफ्टिंग और पेनिस की थिकनेस बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज भी किया जा रहा है। ये टाइट जो वाइट बैंड दिख रहा है पेनिस के बेस को प्यूबिक बोन से जोड़ता है, जिसकी वजह से कंप्लीट लेंथ हमें विजिबल नहीं होती है। इसको रिलीज़ करने से हमें एक्स्ट्रा लेंथ रेस्टिंग स्ट्रेंथ में पेनिस की एक्स्ट्रा लेंथ मिलती है। जो कट लगाया है उसे भी हम लोग वी की तरह इंसिजन लगा के वाई की तरह क्लोज करते हैं। कई बार कुछ एक्स्ट्रा स्किन रहती है बेस ऑफ द पेनिस में प्यूबिक एरिया में, उसे भी हम लोग रिमूव करते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा लूज स्किन है, तो प्यूबेक्टोमी जिसे कहा जाता है वो करा जाता है। इसके अलावा जो अगला जो प्रोसीजर इसमें हम लोग करने वाले हैं कि वो है फैट इंजेक्शन का। जो हमने फैट निकाला है उसे हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर चुके हैं और फिर उसे पेनिस की स्किन के डीप लेयर में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। सर्कमफेरेंशियली सभी तरफ इस इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है, इसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा थिकनेस मिलती है, साथ ही जो स्किन एक्सपांड होती है तो उससे लेंथ में भी इंक्रीज अचीव होता है। जो प्रोसीजर के बाद इसमें थोड़ा अनइवननेस लगता है, कहीं पे कम ज़्यादा ऐसा लगता है, तो उसे प्रॉपर कंप्रेशन देके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा फाइनल रिजल्ट आने में करीब 7 दिन 10 दिन लगते हैं और हल्का स्वेलिंग भी रहता है कुछ हफ्तों तक। अभी आप देख सकते हैं कि हमने करीब 3 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ अचीव करी में, साइज इंक्रीज में अचीव करा है और विड्थ भी पहले इसकी तुलना में करीब 1.4 टाइम बढ़ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ड्रेसिंग रहेगी। पेशेंट को जो ड्रेसिंग रहती है 4 to 5 डेज तक रहेगी। एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक दिया जाएगा मेडिसिन, जो कि 7 दिन तक लेना रहती है। जो स्टिचेस रहते हैं वो सब अपने आप गलने वाले रहते हैं, उसमें कुछ कट करने का ज़रूरत नहीं रहता है और मोस्टली सिंगल टाइम विजिट से काम चल जाता है। कॉस्ट की रेंज रहती है 55,000 से लेकर 60,000-65,000, डिपेंड करता है हम किस जगह प्रोसीजर कर रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल एक्सपेंस, सर्जन चार्ज, एनेस्थेटिस इंक्लूड रहता है, मेडिसिन का कॉस्ट एक्स्ट्रा रहता है।